भैया यहाँ पर साड़ी मिल जाएगी क्या? हाँ मिल जाएगी। कितने तक की मिल जाएगी? आपको कितने रुपए तक की चाहिए वो बताइए। 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 कितने की चाहिए? मुझे 2,000 तक की चाहिए। वैसे 2,000 रुपए की साड़ी आप ले भी पाएंगी? क्योंकि कपड़े देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपके बस की बात नहीं है। सही कह रहे हो भैया आप, ले तो सकती नहीं मैं, लेकिन ना आप मुझे 2,000 की साड़ी उधार दे दो, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी। उधार? पागल हो क्या? अगर मालिक को पता लगेगा ना तो मेरी नौकरी जाएगी, यहाँ कोई उधार उधार नहीं मिलेगा। देखिए भैया परसों मेरी मम्मी का जन्मदिन है और उन्होंने बहुत टाइम से कोई नई साड़ी भी नहीं पहनी है, प्लीज मुझे दे दीजिए ना। एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या? नहीं मिलेगा उधार तो नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। प्लीज भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज दे दो। समझ नहीं आ रहा क्या? निकले यहाँ से। क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? वो क्या है ना, परसों मेरी मम्मी का जन्मदिन है और मेरे पास उनको साड़ी दिलाने के लिए पैसे नहीं है, मुझे साड़ी चाहिए थी। साड़ी चाहिए ना तो तुम्हें मिल जाएगी, इसमें रोने की क्या बात है। सुमित इन्हें जो भी साड़ी पसंद है वो निकाल के इन्हें दे दो। सलीस साड़ी उधार लेकर जा रही है और आपने उधार देने के लिए मना किया है, और वैसे भी इसके कपड़े देख कर लगता नहीं कि ये पैसे दे पाएगी। तुम निकाल के दे दो, मैं तुम्हारी बातें सुन ली है। ठीक है सर, मैं साड़ी निकालता हूँ, आइए मैम। ये लीजिए आपकी मम्मी के लिए साड़ी, और हाँ अपनी मम्मी को हमारी तरफ से जन्मदिन की बधाइयाँ देना। थैंक यू सो मच, जो आपने मेरी मदद करी, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। आपसे बोला किसी ने पैसे लौटाने के लिए? कोई जरूरत नहीं है पैसे लौटाने की। अरे हमारी तरफ से आपकी मम्मी को एक छोटा सा गिफ्ट है ये, अब चिंता ना कीजिए, जाइए अपनी मम्मी का जन्मदिन मनाइए और उनके चेहरे पर खुशियाँ लाइए। थैंक यू सो मच, जो आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं आपका एहसान पता नहीं कैसे चुकाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अब आराम से जाइए, और हाँ अपनी मम्मी का हमेशा ऐसे ही ख्याल रखना। कितने अच्छे थे ये, इन्होंने मेरी मजबूरी समझी और मेरी मदद की, और एक मेरे मालिक मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते थे। साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बता क्या बात करनी है। वो क्या है ना, परसों मेरी माँ का जन्मदिन है और मैं उन्हें तोहफे में साड़ी देना चाहती हूँ, तो उसके लिए बस मुझे पैसे चाहिए थे। अभी 2-3 दिन पहले तो तूने मेरे से सैलरी ले ली है। साहब आपको तो सब पता है, मेरी तनख्वाह से जितने भी पैसे बनते हैं वो सब मेरे भाई बहन की पढ़ाई पे लग गए, वो वहीं खर्च हो गए। आप मुझे प्लीज़ कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए। मैं तुझे एडवांस में 1 रुपया नहीं दे सकता, महीना आएगा तब पैसे ले लियो, जा अभी। देखिए साहब अब जो बोलोगे मैं वो करूँगी, जैसे जहाँ बोलोगे काम वैसे पूरा काम सही करके दूंगी, प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए, मेरी माँ ने बहुत टाइम से एक नई साड़ी नहीं खरीदी है। अच्छा कुछ भी करेगी, चल फिर ठीक है। तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो, आओ बैठो, आओ आओ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए पैसे लेके आता हूँ। ये लो पूरे 2,000 रुपये। थैंक यू साहब, शुक्रिया साहब, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। साहब आप ये क्या कर रहे हैं, हाथ छोड़िए मेरा। तुम्हें 2,000 रुपये फ्री में तो दिया नहीं मैंने, और तुम्हें ना लौटाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम मेरे साथ बिता लो। साहब मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़। खैर जो भी हो, मुझे तो मेरी माँ के लिए साड़ी मिल गई ना, भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे। सर ये क्या किया आपने, फ्री में दे दी उसको साड़ी, अरे उधार देते कम से कम पैसे तो आते, 2,000 का नुकसान करा लिया आपने अपना। सुमित यहाँ पर बात पैसों की नहीं है, यहाँ पर बात है प्यार की, एक माँ की खुशी की, एक बच्ची के एफर्ट्स की। सोचो ना, जो बच्ची इतनी मेहनत कर रही है अगर अपनी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं ला पाई तो उसे कैसा लगेगा, 2 दिल टूटेंगे, एक उस माँ का और एक उस बच्ची का। अब हमारे पास मौका है कि हम उन दिलों को टूटने से बचा सकते हैं, उन चेहरों पर खुशियाँ ला सकते हैं, तो क्यों ना करें कोशिश। देख पैसा क्या है, आज है कल नहीं है, और वैसे भी इस दुनिया से एक सुई की नोक भी नहीं ले जा सकते हम। अगर आपके पास मौका है किसी की मदद करने का तो सोचो मत, खैर डालो, क्योंकि अक्सर सोचने में उम्रें गुजर जाती हैं। कल तक तो आप ये कहते थे कि अगर उधार दोगे तो पैसे मर जाएंगे, पैसे आते नहीं हैं वापस, फिर आज क्या था? मना करता हूँ उधार देने के लिए,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं, लेकिन जब हमें दिख रहा है सामने वाला सच में मजबूर है तो फिर अपनी पॉलिसीज को भी चेंज करना पड़ता है, अपने रूल्स को भी कई बार बदलना पड़ता है, क्योंकि कुछ रूल तोड़कर अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है तो फिर उन रूलों को तोड़ना ही अच्छा है। सर आप बहुत महान इंसान हैं, कितना समझते हैं आप लोगों को। सुमित महान नहीं हूँ मैं, मामूली सा इंसान हूँ। तुम एक काम करो, जाओ अपना काम करो। ठीक है सर। माँ। हाँ बेटा बोल। जन्मदिन मुबारक हो। तुझे मेरा जन्मदिन याद था बेटा, धन्यवाद। याद भी है और आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। गिफ्ट? अरे बेटा ये गिफ्ट वगैरह की क्या जरूरत थी? अच्छी लगी ना आपको ये साड़ी? हाँ ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर लाई कहाँ से है? अरे वो सब छोड़ो, आपको पसंद आ गई ना, बस वही बहुत बढ़िया बात है। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है आप पर। हाँ अच्छी तो बहुत लग रही है बेटा, पर इसकी क्या जरूरत थी ना? अरे माँ मुझे पता है आप छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कितनी मेहनत करते हो। तो यार सबसे पहले तो आप लोग बताएं कि क्या आपने कभी किसी की मदद करी है? इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कुछ बच्चे अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशियाँ लाना चाहते हैं लेकिन पैसों से थोड़ा कमज़ोर होते हैं, इस चक्कर में अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशियाँ नहीं ला पाते गिफ्ट देकर। यहाँ पर बात गिफ्ट की नहीं है, बात है उन बच्चों के प्रेम की अपने माँ बाप के प्रति, क्योंकि बहुत कम बच्चे आजकल के ज़माने में देखने को मिलते हैं जो अपने माँ बाप के लिए सच में एफर्ट्स करना चाहते हैं। अगर आपको ऐसे बच्चे दिख रहे हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं तो यार पढ़ाइए आगे कदम, कर दीजिए उनकी मदद, क्योंकि अगर आज आप उनकी मदद करेंगे ना तो कल को आपकी मदद के लिए ज़रूर कोई आएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोग से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।